तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम सवाल करेंगे फेल और पास पर आधारित, फेल और पास पर आधारित। और ये है टाइप फर्स्ट, हमारा कौन सा वाला है टाइप फर्स्ट, और ये है परसेंटेज के अंतर्गत आने वाले सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हर एक एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, और बिल्कुल आसान सवाल है। आप देखना कि आज जो हम सवाल करेंगे वो है हमारा टाइप फर्स्ट, ठीक है ना, और इसके बाद हम करेंगे टाइप सेकंड वाले सवाल, फेल और पास पर आधारित, ठीक है ना। अब देखो, समय ज्यादा न लेते हुए सीधे हम आते हैं सवालों के ऊपर। अब देखिए, पहला सवाल क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक लाने आवश्यक हैं। यदि वह 40 अंक लाता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो ज्ञात करो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे। देखो, हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं एग्जाम के, ठीक है ना, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, एक्स हैं। मैंने परीक्षा के अधिकतम अंक कितने ले लिए, एक्स ले लिए। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, यानी कि एक्स को लेकर क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद जो ट्रिक है इन सवालों को सॉल्व करने की, उस ट्रिक के आधार पर क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं, परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं जो निकालने हैं हमें इस क्वेश्चन में, वो मैंने क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है ना। अब देखो, वापस फिर सवाल में आओ। सवाल में उसने कहा कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक लाने आवश्यक हैं। अगर एक विद्यार्थी के 30% आते हैं, मतलब 30% मार्क्स आते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और अगर 30% अंक नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखिए, मुझे सबसे पहले एक्स का कितना परसेंट निकालना है, 30% निकालना है। तो एक्स का मैंने क्या निकाल दिया, 30% निकाल दिया। अब यहां पे देखो, ये जो एक्स का मैंने 30% निकाला, ये उस विद्यार्थी के क्या होंगे, पास वाले नंबर होंगे। पास वाले क्या होंगे, नंबर होंगे, पास मार्क्स होंगे, ठीक है ना। अब आगे पढ़ो, उसने कहा कि यदि वह 40 अंक लाता है, कितने अंक लेकर आता है, 40 अंक लेकर आता है, तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। फेल कितने अंकों से हो रहा है, 20 अंकों से, ठीक है, और लेकर कितने अंक ला रहा है, 40 अंक। अगर मैं इस 20 नंबरों को इस 40 में जोड़ दूं तो इसका मतलब ये हो गया 60। और ये जो 60 नंबर हैं, ये इसके कौन से नंबर होंगे, पास नंबर होंगे, क्या होंगे, पास वाले नंबर होंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार वापस देखिए कि उसने कहा कि एक विद्यार्थी क्या कर रहा है कि 40 अंक लेकर आ रहा है, कितने अंक लेकर आ रहा है, 40 मार्क्स लेकर आ रहा है, और 20 मार्क्स से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अगर मैं ये फेल वाले मार्क्स 20 नंबर किसमें जोड़ दूं, 40 में जोड़ दूं, तो इसका मतलब ये जो 60 नंबर होंगे, 60 मार्क्स होंगे, ये उस विद्यार्थी के क्या होंगे, पास नंबर होंगे। और ये जो 60 नंबर है ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। समझ लो मेरी बात, अब ध्यान में आ गया, क्योंकि ये भी पास नंबर है और ये भी क्या है, पास नंबर है, इसीलिए मैंने इसको इसके बराबर कर दिया। बस आसान है। अब मुझे क्या करना है, एक्स की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान क्यों निकालना है, क्योंकि मैंने परीक्षा के अधिकतम अंक क्या मान रखे हैं, एक्स मान रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रतिशत, अगर किसी नंबर के साथ प्रतिशत का साइन चिपका हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस नंबर में
कितने का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। जैसे 5% को कैसे सॉल्व करेंगे, 5/100, और अगर 30% है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30/100। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। अब यहाँ पे 30% है तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स फिर मल्टीप्लाई 30/100, और बराबर कितना है, 60। अब देखिए यहां से मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए जो ये 30/100 है इसको मुझे उस तरफ ले जाना पड़ेगा, और जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी उस तरफ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 × 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 30। क्या आ जाएगा, 30। बस अब देखो नीचे से 30 से 60 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 100। तो ये किसका मान आया, एक्स का मान। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 200। यानी कि उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, 200। ठीक है ना? तो बिल्कुल बेसिक सवाल था ये, ठीक है ना? हाँ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि परीक्षा के जो अधिकतम अंक थे वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है ना? फिर एक्स का क्या निकाला, 30% निकाला, और फिर उसको किसके बराबर कर दिया, 60 के बराबर कर दिया। ये 60 कहाँ से आया, जो ये 40 नंबर और ये जितने से वो फेल हो रहा था उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आया 60। फिर यहाँ से एक्स का मान निकाला, ठीक है ना? तो एक्स का मान ये 30/100 जब इस तरफ जाएगा बराबर के इस तरफ तो फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो एक्स का मान आ गया 2 × 100, बोले तो 200। कितना आसान था, बिल्कुल बेसिक सवाल था, ठीक है ना? तो आप इसको क्या कर लो, अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लो। अब यहाँ पे जो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है और जो ये थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। जो पहला सवाल हमने किया उसी की तरह ये दोनों क्वेश्चन है। अब आप क्या करो, खुद से इन दोनों सवालों को करने की कोशिश करो, ठीक है ना? आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, देखो कि आंसर कितना आ रहा है इस सेकंड वाले सवाल का, ठीक है ना? फिर हम करेंगे इसको तीसरा वाला। तो चलिए 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट करो, शाबाश। ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर क्या किया, फर्स्ट किया, ठीक है ना? एक्स लेके करो। हाँ अच्छा सुनो, मैंने आपको इसका शॉर्टकट मेथड नहीं बताया। अब देखो इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां देखो मैंने कहा कि ये ना 200 आ रहा था ना इसका आंसर, ठीक है ना? अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड से। देखो पढ़ो जरा, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक लाने आवश्यक हैं। कितने परसेंट अंक लाने आवश्यक हैं, 30% अंक लाने आवश्यक हैं। यदि वह 40 अंक लाता है तो वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, जो ये 30% है ना, 30% ये किसके बराबर हो जाएगा, जितने नंबर उसके आ रहे हैं और जितने से वो फेल हो रहा है उन नंबरों को आपस में जोड़ दो, वो किसके बराबर हो जाएंगे, 30% के बराबर। तो ये हो जाएगा 30% बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि 30% की वैल्यू क्या है, 60। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 60/ क्या हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा कितना, 2। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो क्या हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना, 100 × 2। तो ये हो जाएगा कितना, 200। ठीक है ना? और यही है उस व्यक्ति के टोटल मार्क्स। क्यों? क्योंकि जो 100% होता ना है, जो 100% होता है वो परीक्षा के क्या होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। 100% किसी भी परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, 100% होंगे। ठीक है ना? आपने सुना है कभी कि किसी बच्चे के 101% मार्क्स आए, नहीं आए, 100 आएंगे या तो 100% से नीचे मार्क्स आएंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 200। यानी कि परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 200 ही हो सकते हैं। ठीक है ना? और पहले वाले में भी एक्स का मान कितना आ रहा था, 200, यहां भी कितना आ रहा है, 200। तो ये है आपका शॉर्टकट मेथड, और वो एक्स वाला था आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है ना? हाँ
एक बार फिर से देख लिए, हमने क्या किया कि 30% को किसके बराबर किया, 60 के बराबर किया। ये 60 कहां से आया, 40 प्लस 20। अगर 30% बराबर 60 तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/30। 30 से 60 कितनी बार कटा, 2 बार। अब देखिए 1% की वैल्यू आ गई 2, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि ये सेकंड क्वेश्चन करो फटाफट, ठीक है ना, फिर मैं करूंगा इसको। आप लोग नोट करते भी जाइए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेके। हाँ, अब देखो सेकंड वाला सवाल, उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है ना। कितना आ रहा आंसर, चलो देखते हैं। अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें परीक्षा के अधिकतम अंक बताने हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने मान लो, एक्स। अभी मैं x से लेकर कर रहा हूं, फिर शॉर्टकट से करेंगे। देखो परीक्षा के अधिकतम अंक मैंने कितने मान लिए, x। अब देखो, हाँ, तो एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है, तो x का कितना निकालो, 40% निकालो, ठीक है ना। x का क्या निकालो, 40% निकालो सबसे पहले, ठीक है। अब आगे उसने कहा कि यदि वह 50 अंक लाता है, कितने अंक लेकर आ रहा है, वो 50 अंक लेकर आता है, तथा 30 अंकों से फेल हो रहा है। फेल कितने से हो रहा है, वो 30 अंकों से। अब जितने अंकों से वो फेल हो रहा है, उतने अंक अगर मैं इसमें जोड़ दूं 50 में, तो ये हो जाएंगे कितने, 80, ठीक है ना। और ये 80 नंबर क्या होंगे, उसके पास नंबर होंगे। कितने, कौन से वाले नंबर होंगे, पास नंबर। और ये 80 नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, इस एक्स का 40% जो होगा। अब यहां से किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x गुणा के 40/100, ठीक है ना, बराबर कितना, 80, ठीक है ना। ये 40/100 कहां से आया, क्योंकि 40% को हम कितना लिखते हैं, 40/ क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां मुझे x का मान निकालना है, ठीक है ना, तो ये 40/100 इस तरफ चला जाएगा, लेकिन उल्टी फ्रैक्शन में जाएगा, 100 ऊपर और 40 नीचे। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणा के 100/40। इस 40 से 80 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ भी x का मान कितना आ गया, 200। यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे आपके, 200। अरे समझ लो ना मेरी बात। और इसी सवाल को अगर मैं ट्रिकी मेथड से करूं, शॉर्टकट मेथड से करूं, तो कैसे करूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, 40%, और 40% बराबर क्या लिखूंगा, 80, ठीक है ना। यहां से 1% की वैल्यू निकालूंगा। अगर 40% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना, 80/40। तो 40 दुना कितना हो गया, 80। तो 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 2। तो 100% बराबर कितना होगा, 2 गुणा गया 100। तो यानी ये हो जाएगा 200। तो यानी कि उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 200 थे, ठीक है। इसका भी वही आ रहा था 200, नीचे वाले का भी क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है ना। अब तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि तो ये तो बेसिक सवाल है, ठीक है ना, परसेंटेज के, जो पास और फेल पर आधारित क्या होते हैं, सवाल होते हैं। और ये हमारा टाइप फर्स्ट है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद जो टाइप सेकंड होगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, इससे अलग सवाल होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है, एक्स को लेके करो शाबाश फटाफट, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा के अधिकतम अंक हमने क्या मान लिए, एक्स मान लिए। परीक्षा के अधिकतम अंक हमने क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब x का कितना परसेंट निकालेंगे, 20%। तो ये हो जाएगा x गुणा के 20%, ठीक है ना। जितने प्रतिशत अंक वो लेकर आ रहा है, वो किसका निकलेगा, x का निकलेगा, ठीक है ना। क्यों, x में, x से ही तो लेकर आ रहा है वो 20%। और ये बराबर किसके हो जाएगा, वो जितने अंक वो लेकर आता है और जितने अंकों से वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो 40 प्लस कितने, 30। तो ये हो जाएगा x गुणा के 20/100 बराबर कितना, 80, ठीक है ना। सॉरी ये हो जाएगा 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 70, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 गुणा के 100/20 कितना हो जाएगा, 100/20। अब 20 से कितनी बार, 20 × 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 35। यानी कि टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, 350। समझ रहे हो मेरी बात। और इसी को अगर हम ट्रिकी मेथड से करें, ठीक है ना, तो यानी कि
20% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है उसने, 70, ठीक है ना, ये वाला, ये 70 ये वाला, ठीक है ना, जो 40 और 30 हमने जोड़ा तो 20% पर और कितना है, 70, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 5% है और ये भी क्या है, 5 नंबर है, दोनों 5 5 नंबर हैं, तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 70/20, तो यहाँ से 100% का मान निकाल सकते हैं, तो ये जाएगा 70/20, 70/20 गुणा गया 100, तो 20 × 100, तो ये हो जाएगा 5 × 35, 350 नंबर। तो परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 350, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये तीनों सवाल थे ये आसानी से आप लोगों के समझ में आए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें कि जो आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया कि जो टोटल मार्क्स थे वो हमने क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है ना। आपको एक्स वाले मेथड से करो चाहे ट्रिकी मेथड से करो, दोनों तो बिल्कुल आसानी है, इसमें कोई जटिलता भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। ये था हमारा टाइप फर्स्ट। अब इसके बाद हम करेंगे टाइप सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। टाइप सेकंड वो थोड़ा सा क्या है, इनसे क्या है, अलग होंगे, ठीक है ना। तो इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर आएंगे टाइप सेकंड के ऊपर।